आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स भारत, अपना देश अपना चैनल। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मूड में नजर आ रही है। कुछ दिन पहले जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाकर पार्टी की नीतियों का गुणगान जनता में कर चुके हैं, वहीं अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी प्रदेश में कमान संभाल ली है। इसी के तहत पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज रादौर में जेपी नड्डा ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से आयोजित पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मंच से अपने संबोधन में नड्डा ने भाजपा सरकार की नीतियों के साथ साथ अनुच्छेद 370 व 35A को खत्म करने को लेकर खुलकर मोदी सरकार का गुणगान किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ किए गए वादे के अनुसार दोबारा सरकार बनने पर महज कुछ ही दिनों में कश्मीर से 370 और 35A को खत्म करने का काम किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धारा 370 को खत्म करके देश में एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान की नीति को लागू किया। मोदी जी की इच्छा शक्ति है और अमित शाह जी की रणनीति है कि धारा 370 संसद में धारा शाही हो गया, विलोपित हो गया और धारा 370 समाप्त हो गया। एक देश में अब एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान हो गया, इसको हमको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी का बेटा भी बड़ा अधिकारी बन सकेगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी का बेटा केवल सफाई कर्मचारी ही बन सकता था, अब ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी कर सकता है और कोई नौकरी नहीं कर सकता था। इतना बड़ा अन्याय हमारे दलित भाइयों के साथ यह जम्मू कश्मीर के 3 परिवार कर रहे थे, इसको हमको समझना चाहिए। मोदी जी ने उनको आजाद कर दिया, अब वहां का सफाई कर्मचारी का व्यक्ति IAS की भी नौकरी के लिए खड़ा हो सकता है और जम्मू कश्मीर की सर्विस के लिए भी खड़ा हो सकता है और वो वहां पर नौकरी पा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर की लड़की की शादी दूसरे प्रदेश में होने पर उसका जायदाद से हक खत्म हो जाया करता था, अब जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका हक मिल सकेगा। हमारी जम्मू कश्मीर की बहनें अगर जम्मू कश्मीर की स्टेट के बाहर किसी से विवाह कर ले तो उनकी प्रॉपर्टी राइट से वो वंचित हो जाती है। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर शादी कर ली तो जो उनकी श्रीनगर में उनको पुश्तैनी प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो हिस्से से बेदखल हो जाएगी। 2002 में हाईकोर्ट ने फैसला किया कि इस पर पुनर्विचार करो। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने विधानसभा में कानून ला करके इसको निरस्त किया और साथ किसने दिया, उमर अब्दुल्ला, जो आज बड़ा नौजवान बनकर के 21वीं शताब्दी की मॉडर्न बातें करता है, उसने साथ दिया और महिलाओं को प्रॉपर्टी से वंचित करने के लिए श्रीनगर की बहनों के साथ अन्याय किया, इस तरीके की स्थिति ला करके खड़ी की। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जब 35A विलोपित है तो वहां की बहनें शादी भी करेंगी और उनके बच्चे भी प्रॉपर्टी के हकदार होंगे श्रीनगर के अंदर, इस बात को हमको ध्यान रखें। इससे पूर्व सम्मेलन में पहुंचने पर भाजपा नेताओं द्वारा नड्डा का फूलमाला व गदा भेंट कर सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स, भारत।